हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने जो है नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। मेरा खाना वगैरह भी बन चुका है। आज मैंने हेयर वॉश करे थे तो मेरे बाल जो है भी मैंने खोल लिए, वरना मैं बांध के ही रखती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इधर उधर बाल फैले फैले मिलते हैं तो बस इसलिए, मतलब बरसात के टाइम पे झड़ते हैं, वैसे नॉर्मल नहीं झड़ते हैं। और आप कोई कोई मतलब कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे आप लिपस्टिक क्यों लगाते, तो रोज़ में लिपस्टिक लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा ही लगता है। लिप बाम बस लगा लेती हूँ मैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो अभी जो मैं एवरीडे की क्लीनिंग होती है घर की, तो वो करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास कॉमेंट आ रहे थे कि आप जो है अपनी घर को कैसे वो करती हैं, मतलब कि क्लीनिंग करती हैं, तो उसका भी वीडियो शेयर कीजिए। तो बस उसका ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं अकेले जो है क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि घर मेरा यहाँ का ससुराल का काफ़ी बड़ा है। जब मैं छतरपुर में रहती हूँ तो अकेले ही शेयर करती हूँ, बट अभी का जो है मैं अकेले शेयर नहीं कर सॉरी मतलब क्लीनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे घर बड़ा है और इतना अकेले मेरे से नहीं हो पाता है। और रेखा भी अभी नहीं है, और रेखा होती भी है तब भी मतलब कि काम थोड़ा 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 सब लोग कर लेते हैं, तो अकेले मुझे नहीं करना पड़ता है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी मम्मी और देवर हस्बैंड सभी लोग थोड़ी थोड़ी हेल्प करा देते हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं जो है सुबह की क्लीनिंग वगैरह, तो उसको ही दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन की साफ़ सफाई जो है मॉर्निंग की कर लूँगी खाना वगैरह बन जाने के बाद। तो अभी तीजा के लिए, हड़ताल का तीज के लिए जो कि गुजिया सेव वगैरह बने हुए थे, तो बस छुपा वगैरह और डलिया वगैरह रखी हुई थी, तो इनको मैं सारा कुछ एक साथ कर लूँगी, एक साथ मतलब कि अपनी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो इन सबको मैं अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। और जो कि सामने वाले स्टैंड के बर्तन काफ़ी सारे फैल गए हैं, डिब्बा डिब्बी हैं, तो उनको भी मैं अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी दोबारा से। तो इस तरीके से मैं अपनी मॉर्निंग का जो है क्लीनिंग करती हूँ। और किचन में अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि जब कुछ भी होता ही है, जब कुछ भी बनता है, जैसे कि कुछ भी मीठा वगैरह या कुछ भी बनता है घर में, कुछ अलग से होता है तो फिर फैल ही जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से एक कपड़े की उससे हेल्प से अच्छी तरीके से इसके जो पेपर वगैरह हैं इनको साफ़ कर लूँगी, और जो थोड़ा बहुत सामान है या फिर डिब्बे हैं उनको मैं भर के रख दूँगी, जो कि सामान थोड़ा बहुत है तो उनको उसमें सारे के सारे सेट करके रख दूँगी। और इधर उधर जो सामान फैला हुआ है वो भी मैं रख दूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि सारा सामान फैल गया है जैसे कि मैंने बताया है, तो इसको मैं रख दूंगी। जैसे गुजिया वगैरह कुछ तो अलग रख दी गई हैं पूजा के लिए, मतलब कि पूजा उसी दिन का ये ब्लॉग है, तो फिर मैं मतलब एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूजा वगैरह में लगी रही, तो इसके कारण से मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, फिर भी मैंने सोचा एडिट कर लेती हूँ, वरना ऐसे कब तक वो होगा। तो फटाफट से जो है मैं यहाँ पे सफाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा ही फास्ट किया है, ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करने पे आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सारे बर्तन उसको सेट कर दूँगी, कि जो कि बर्तन रखे हुए हैं मजे हुए, थोड़े बहुत जो बर्तन अभी खाने के हुए हैं, मतलब खाना और नाश्ता बनाने के, अभी खाया किसी ने नहीं है, तो उसके नाश्ता तो हो गया है, खाया किसी ने नहीं खाना, तो बस उसका जो है मैं बर्तन धो लूँगी फटाफट से। तो इसी तरीके से जो है मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है। और जैसे कि मैंने बताया है कि मैं अकेले ही क्लीनिंग नहीं करती हूँ, मेरे घर में सभी लोग मेरे साथ हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं अपने सारे बर्तन सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सुबह का जो है क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो ये देखिए मेरा सारा काम मतलब किचन सेट हो चुका है, और सामने जो है मैं पटा के ऊपर खाना रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चींटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और झाड़ू जो है मैं, हम लोगों के यहाँ इस तरीके की ही झाड़ू होती है, फूल झाड़ू नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर रोज़ धुलाई होती है तो उससे झाड़ू ख़राब हो जाती है इस कारण से।
और बस मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। तो मम्मी सामने से कुछ बोल रही थी तो मैं उनसे बातें करती जा रही हूँ साथ के साथ में, क्योंकि मम्मी हड़ताल का तीज व्रत थी तो वैसे तो वो रोज ही काम करवा लेती हैं। फिर सब लोगों ने बोला कि आज आप कुछ मत करो क्योंकि आज आपका फास्ट है। और फिर जब मम्मी की थोड़ी सी वो हो गई है तो अब कमज़ोर भी है, तबीयत ख़राब थी, तो यहाँ पर देखिए जो खटिया वगैरह हैं तो इनको भी मैं अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी, मतलब झाड़ू लगाने के टाइम सेट करूँगी। उसके बाद जब यहाँ पे धोएंगे और पोछा वगैरह करेंगे तो फिर इनको बाहर निकाल लेंगे, वरना ये गीली हो जाएंगी और अच्छी तरीके से कचरा जो है साफ भी नहीं होता है। इसलिए तो मतलब कि सुबह का जो है रूटीन वो साफ सफाई का काम होता है, बहुत ही वो होता है, काफ़ी टाइम लगता है साफ सफाई करने में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पापा जी के कपड़े ऐसे ही टंगे रहते हैं तो वो ऐसे ही रख देते हैं अपने कपड़ों को आके, और जैसे कहीं जाते हैं तो मतलब पहनने के बाद धुल जाते हैं, फिर वो कहीं जाते हैं तो फिर वैसे ही टांग देते हैं, फिर नेक्स्ट जो है जो धुलते हैं कपड़े। तो यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको मैं गोदरेज में रख दूँगी, बगल से आपको दिखाई दे रही है, इसमें रख दूँगी सारे के सारे कपड़े जो सूख गए हैं मेरे नहीं मतलब मेरे देवर जी के, तो और बच्चों के जो कपड़े हैं मैं गोदरेज में सेट कर दूंगी। मैं अपने कपड़े तो अपने ही रूम में रखती हूँ, पर पापा जी के और देवर जी के जो कपड़े रखे हुए हैं तो मैं उनको यहाँ पे सेट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ज़रा सा जो है वीडियो को फास्ट किया हुआ है, और मम्मी जो है सामने से काली उड़द की दाल थी तो उसको उसका डिब्बा जो है खाली हो गया था तो थोड़ी सी उसमें दाल थी, तो वो बोली कि इसको किसी डिब्बे में डाल दो। वो अपने सामने वाले रूम को साफ करने लगी थी, बोली मैं सामने वाले रूम को कर लेती हूँ, सब लोग मना कर रहे थे फिर भी वो मान नहीं रही थी, तो वो सामने वाले रूम को और जो कि सारा सामान इधर उधर था तो बोली मैं खिसकाती जाती हूँ, तुम झाड़ू वगैरह कर लो क्योंकि तुम भी थक जाओगी। तो मैंने जैसे बताया कि मुझे सारा काम एक साथ नहीं करना पड़ता है और मैं बैठकर ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बैठकर झाड़ू लगाने से क्या होता है कोने कोने से सारा कचरा निकल जाता है, और मुझे बैठकर झाड़ू पोछा सब कुछ करना अच्छा लगता है, और कहते हैं इस तरीके से पेट भी नहीं बढ़ता है, तो ज़्यादा बड़ा पेट अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर बैठ के ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो ये देखिए मैं सारा कचरा जो है एक साथ कर लूँगी, इसको भर दूँगी, और आंगन को जो है झाड़ू नहीं लगाई जाएगी क्योंकि पानी बरस रहा था तो आंगन पूरा गीला था। सुबह की सब टाइम जो है झाड़ू लगा दी गई थी, मॉर्निंग में जब एक बार उठती हूँ तब उस टाइम झाड़ू लग जाती है, उसके बाद खाना वगैरह हो जाने के बाद सारी झाड़ू दोबारा से होती है, मतलब एक बार सुबह से होती है ना गांव, मतलब हम घर वाले जो है हाउस वाइफ होती हैं वो सुबह से बाहर दरवाजे में वो रैन डालती हैं, मतलब कि लीपती पोती हैं, और उसके बाद थोड़ा सा अंदर में ही झाड़ू पोछा कर झाड़ू बस कर लेती हैं। तो वो ही एक बार हो गया था तो उसके बाद मैं दोबारा से कर रही थी, तो मम्मी खटिया जो है अच्छे से रख रही थी दोबारा से कि अच्छे से रख देती हूँ, फिर जो है धुलाई होगी तो एक बार फिर से इनको बाहर निकालना ही जाएगा। पानी फिलहाल में रुक गया था, वैसे तो तीजा वाले दिन पूरे दिन ही बढ़िया मस्त वाली बारिश हुई है तो किसी को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई थी। तो ये देखिए मेरी झाड़ू वगैरह हो गई है, और रूम जो है इन्होंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब तक मैं खाना वगैरह कर रही थी तो बोली चलिए फिर मैं जो है थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, मैं फिर जाके झाड़ू पोछा कर लूँगी, मतलब चैट उन्होंने कर दिया था अच्छी तरीके से, कपड़े वगैरह अच्छे से रख दिए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ा था, जैसे कि बताया है मैंने कि मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मैं गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, तो मैं जो है पानी में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं साबुन या फिर कुछ भी रख डाल देती हूँ, तो जिससे गैस वगैरह अच्छी साफ़ हो जाती है, और एक दिन छोड़ एक दिन इसको अच्छे से मांझ भी लेती हूँ, तो रोज़ नहीं मांझती हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है किचन में, क्यों निकलने के लिए वैसा कुछ है नहीं है, तो बस मैं पोछा लगा लूँगी फटाफट से। और यहाँ पर जो है मम्मी जी थी जैसे कि मैंने बताया, तो मैं उनसे साथ के साथ में बातें भी करती जा रही थी और फटाफट काम करते जा रही थी ताकि जल्दी जल्दी से काम निपट जाए, क्योंकि फिर उसका पूजा वगैरह का भी काम खाना बनाना था, तो इसलिए जो है मैं पोछा लगा रही थी, मतलब जल्दी जल्दी काम करते जा रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा, और किचन में पोछा हो जाने के बाद जो है बरामदा में पानी डाल के धोया गया था, तो धोने वाली वीडियो मैंने नहीं शूट करी थी, बस फिर मैं वाइपर से जो है पानी निकाल ली थी, झाड़ू से धोया गया था वाइपर से पानी निकाल ली थी, तो वो बस आप लोगों के साथ शेयर किया है। झाड़ू वगैरह हो ही चुकी है, डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, क्योंकि
डस्टिंग वगैरह तो नहीं कर दी थी, थोड़ी बहुत जो रह गई थी बाकी की जरा मुझे जहाँ पे लगा था तो मैंने कर ली और झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगा लेने के बाद जो है पोछा वगैरह पानी से धुलाई, पहले धो लेते हैं फिर वो कर लेते हैं। और कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप पानी बहुत फैलाती हो, तो पानी इसलिए नहीं फैलाती हूँ, हम लोगों के यहाँ एक तो पानी की बहुत सुविधा है, कैन नदी तो बिल्कुल बगल से निकली हुई है और यहाँ पे पानी की कोई भी किल्लत नहीं है। अब मुझे पता है कि पानी इतना नहीं फेंकना चाहिए, पर जब तक अच्छे से घर साफ सफाई नहीं होती है तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे मतलब आंगन वगैरह पानी इतना ज़्यादा नहीं फैलाते हम लोग, थोड़ा ही फैलाते हैं कि जिससे अच्छी तरीके से साफ सफाई भी हो जाए। और यहाँ पर देखिए मेरी बरामदे में जो है मैंने वाइपर लगा दिया है तो उससे पानी जो है सूख गया है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, यहाँ को मैंने सूट सेट कर लेने के बाद यहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी और सामने से जो है खटिया रखी हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता है उसको बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरा बेड नहीं है तो एक तख्त रखा हुआ है, एक खटिया रखी हुई, तो हम लोग इसी पे जो है लेटते हैं। और इसके यहाँ पे हो जाने के बाद झाड़ू पोछा मतलब कि मेरी सुबह की क्लीनिंग हो जाने के बाद मैं बर्तन जो है रख धो लूँगी और सारे अपनी जगह पे सेट कर लूँगी। तो बर्तन जैसे कि मैंने बताया है अभी ज़्यादा नहीं है, तो मैं धीरे मतलब कि सब कुछ अब ऐसे कि सब लोग करते हैं ना कि खड़े होकर पोछा लगाते हैं, मैंने जैसे बताया है मुझे खड़े होकर पोछा लगाना या झाड़ू लगाना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सारे कोने कोने से अच्छी तरीके से कचरा नहीं निकलता है मेरे हिसाब से, तो मैं बैठ के ही सारा कुछ करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से कचरा निकल जाए। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला ही है, आप लोग बोलेंगे कितनी बार बोलती हो, बट बोल देती हूँ क्योंकि फैमिली हो। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तन साफ कर लूँगी, सामने से आ गए हैं, तो चलिए फिर इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।